वही जनपद चमोली का बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जोशीमठ के समीप खुल गया है। बता दें कि विगत समय से जोशीमठ में करीब 3000 श्रद्धालु फंसे हुए थे। पहले प्रशासन ने यहां पर पैदल तीर्थ यात्रा को छोड़ा, फिर उसके बाद टू व्हीलर वाहन को और उसके बाद फोर व्हीलर वाहनों को छोड़ दिया गया। चार दिन की कड़ी मशक्कत के बाद हम आपको बता दें, आखिरकार देर शाम बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सभी वाहनों के लिए खोल दिया गया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट।